Who will tell me what is the value of exhibition due to gravity small g on Earth? 9.8 meter per second square with the unit. You know? Yeah? मून पे है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन. फॉर्मूला कौन बताएगा स्मॉल जी का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी? Yes, this is capital GM upon R square. Who will tell me about Galileo Galilei's observation that we were discussing that day? Galileo Galilei का क्या experiment था? Coin और feather वाला हम discuss कर रहे थे. चलो अब कर लेते हैं. यहाँ से what do we infer from this formula? G is GM by R square. What was the mass of stone that was lying on the surface of Earth when we did this article? Small m. Mass of stone कितना था? Small m. Can you see any m here? Small m here? No. What is capital M? Capital M क्या है? Earth का mass. So that means acceleration due to gravity depends on mass of planet, not on the mass of object that is falling. तो मैं अगर यहाँ से चौक को गिनाऊं, ये क्या हो रहा है इधर? मैं अगर चौक को गिनाऊं, डॉग को गिनाऊं, कैट, एलिफेंट, मतलब इसलिए कि उनके मासेस डिफरेंट, जिसको मर्जी गिनाऊं, ऑल विल फॉल विद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड द ग्राउंड. सभी सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे. बट इफ यू अलाउ कॉइन एंड फेदर, या फिर हम एक सिंपल पेपर ले लेते हैं और एक क्रम्पल्ड बॉल ले लेते हैं. पेपर को मैंने क्रश कर दिया एक बॉल, तो अगर उन दोनों को मैं यहाँ पे गिराऊं तो विच वन विल रीच द ग्राउंड एरिया? पेपर बॉल. तो कॉइन और फेदर का एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो गैलीली ने. तो पीपल थॉट पहले तो पीपल थॉट कि कॉइन का मास ज्यादा है, इट इज हैवियर, सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ग्रेटर एक्सेलरेशन इन इट. That's why it falls early. Feather is lighter, इसका mass कम है, इसलिए late गिरता. तो पहले लोगों को ये लगा कि ये जो acceleration due to gravity small g है, that depends upon mass of the object that is falling. But then Galileo Galilei conducted the experiment in vacuum. He allowed both coin and feather to fall through the same height in vacuum. Where vacuum पता है ना, जहाँ पे कोई air नहीं होता. In the absence of air, he saw that both were reaching the ground at the same time. दोनों ground पे same time पे नीचे गिर रहे. तो इसका मतलब air के ऊपर air की presence matter करती है. Otherwise, acceleration due to gravity is same. It does not depend on mass of falling object. Coin की भी same है, feather की भी same है. इसका मतलब air में coin पहले क्यों पहुंच रहा था? Because of smaller area. कॉइन का एरिया कम है, सो स्मॉलर एयर फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट. सो दिस इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर, दिस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर. जिसका सरफेस एरिया ग्रेटर होता है, जैसे फेदर, उसका एरिया ग्रेटर है ना, उस पे ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन एक्ट करता है, इसलिए वो नीचे पहुंचता है, उसकी मोशन को अपोज करता है. गॉट माय पॉइंट? तो गैलीलियो गैलीली वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग. इज दैट राइट? यही कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो है फ्रीली फॉल कर रही हैं, वो सेम जी से नीचे गिरेंगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉल करेंगी. ये मतलब नहीं है कि हैवियर जो है वो पहले गिर जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, लाइटर की एक्सेलरेशन कम होगी. दिस इज नॉट सो. सभी के एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो वैक्यूम में वो सेम टाइम पे नीचे पहुंच गए, ऐसे ही होगा. सिर्फ एयर में जब हम गिराते हैं तो एयर का फ्रिक्शन पॉइंट सबसे कम एक्ट करता है, क्योंकि इसकी एरिया कम है, साइड रीचेस फर्स्ट. बट एरिया ऑफ फेदर दैट इज मोर, सो मोर एयर फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट, दैट्स व्हाई इट रीचेस द ग्राउंड.
अदरवाइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग। अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था डिफरेंसेस लिखने के लिए स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में दिया था एंड मास एंड वेट में। हैव यू रिटन? चलो हु विल टेल मी डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट? हाउ मेनी यू हैव रिटन? रेज हैंड हु हैज रिटन मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। कितने लिखे आपने? फोर। किसी ने इससे ज्यादा लिखे? मोर देन फोर किसी ने लिखे? चलो आप रीड आउट करो। फर्स्ट डिफरेंस, हाँ फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ डेफिनेशन। सेकेंड डिफरेंस, क्या आप ये लिखोगे? सेकेंड डिफरेंस में यूनिट लिख लो। यूनिट ऑफ मास इज केजी, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन, सेकेंड डिफरेंस यूनिट, थर्ड डिफरेंस ये डिवाइस बता रहा है। मास इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस, वेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। फोर्थ, हाँ यूनिट तो हो गया, अगला बोलो। मास रिमेंस कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बैठ जाओ। ठीक है, देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है डेफिनेशन का, वो आपको बता ही दिया मैंने। फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ डेफिनेशन, सेकेंड इज ऑफ यूनिट, इसका केजी इसका न्यूटन। Then mass is measured with the help of physical balance and weight is measured with the help of spring balance. Mass is constant everywhere. Weight varies from place to place. Weight varies from place to place. Or mass can never be zero. Can be zero. Spring balance. ये क्या, किसने क्या निकाला है? इतनी प्रेग्रेंस किस चीज की आ रही है? एक मिनट, लेट मी चेक। So I hope the differences are clear between mass and weight. Next is differences between स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। दैट्स राइट। हाँ जी, रेज हैंड कितनों ने लिखे हैं स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंसेस? हाँ, उससे पहले हम वेट का पॉइंट लिखा है कि वेट कैन बी जीरो। कैन यू टेल मी थ्री प्लेसेस वेयर वेट इज जीरो? और मून पे 1.6 होती है। अरे मून पे बताई तो थी जी 1.63 है, जीरो थोड़ी है। स्पेस में दो हो गए। थर्ड, ड्यूरिंग फ्री फॉल आप कह सकते, स्पेस वैक्यूम वही हो गए। तो लिखिए ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल यू जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रूफ, मतलब हाउस, तो वहां से जितनी देर आप एयर में हो आपको अपना वेट फील नहीं होगा एयर में, तो आप वेटलेसनेस में होते हो क्योंकि जी जीरो होता है उस टाइम। लिखिए थ्री प्लेसेस, क्वेश्चन लिखिए, राइट थ्री प्लेसेस वेयर वेयर वी आर इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। राइट थ्री प्लेसेस वेयर वी आर इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। हाँ, वेयर वेट इज जीरो या वेयर वी आर इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। Yes? चलिए लिखिए तीनों के आंसर इन स्पेस।
एट सेंटर ऑफ अर्थ, थ्री आंसर्स हैं एट द सेंटर ऑफ अर्थ इन द स्पेस एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल. नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. हाँ जी, ड्यूरिंग फ्री फॉल. चलो दिव्या बताओ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. हाँ, डेफिनेशन हो गई, पहला डिफरेंस डेफिनेशन हो जाएगी. दोनों की लिखवाई हुई है ना, फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेशन. सेकंड, हाँ इसका मतलब मीनिंग बता रहे हो आप. करणवीर स्टैंड अप, इसका मीनिंग बता रहे हो आप. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. स्टैंड अप टॉकिंग. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देख ऐसे रहे हैं कि पता नहीं क्यों मेरे को बताया, आपको पता ही होगा बातें कर रहे हो आप. और ब्रिजेश आप ये मत समझना कि आप सेकंड लास्ट बेंच पे दिखाई नहीं दे रहे हो, उधर उधर हो जाओ आप एक जना, लास्ट बेंच इज वेकेंट ना, वहां चलो. एक थर्ड, स्मॉल जी है नहीं, यहाँ पे स्केलर वेक्टर छोड़ दो और कोई बताओ. हाँ, ये डिफरेंस मास और वेट में लिखी है, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे लिखी है 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए मास एंड वेट के. अब इसमें नेक्स्ट आप यूनिट का लिखोगे, यूनिट ऑफ स्मॉल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी. नेक्स्ट डिफरेंस वैल्यू का, अर्थ के लिए इतनी है और इसकी वैल्यू है 6.67 10^-11. ठीक है, देन स्मॉल जी वेरीज, ये आपने देखा है कि एट सेंटर ओवर जीरो भी हो जाती है. ठीक है, स्मॉल जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैपिटल जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आई टोल्ड यू, आप मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू यही रहेगी, 6.67 × 10^-11. आपको पानी ला के दें, फील लाइक स्लीपिंग. ये देखो इसकी आंखें बंद हो रही है, क्या हो गया, पूरी खुली नहीं रही आपकी आई, इतना क्या बोर हो रहे हो, ज्यादा हो गए. अब मैं तो जब आई थी आप पहले ही ऐसे थे. किसका पीरियड था पहले बच्चे, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा. वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वेट कैपिटल जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवर. और कोई पॉइंट किसी ने लिखा हो एक्स्ट्रा तो बता सकते हो, एनी अदर पॉइंट. हाँ, जीरो का कह सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट है स्मॉल जी कैन बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, इसकी वैल्यू तो एक ही है, इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि जी तो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू यही रहेगी हमेशा. कैपिटल जी कॉन्स्टेंट है, ये देखो लिखा तो हुआ है यहाँ पे. तो दोनों के 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं. अगर 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू डू, देन यू विल राइट ऑल द 6 पॉइंट्स, राइट. नेक्स्ट है, अब हम कह रहे हैं कि स्मॉल जी वेरी करती है, चेंज होती है. व्हाट आर द फैक्टर्स विद विच स्मॉल जी चेंजेस, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है. लेट्स राइट एंड देन वी विल डिस्कस द फैक्टर्स वन बाय वन. तो लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, हैव यू रिटन हिंट्स ऑफ डिफरेंसेस. ये आपका होमवर्क था और मैंने फिर भी डिस्कस करवाए हैं, इसलिए पॉइंट्स लिखे, हिंट्स लिखे, आप खुद इलैबोरेट करोगे, होमवर्क था ये आपका. एंड योर टेस्ट डे इज फ्राइडे, तो दिस फ्राइडे यू विल बी हैविंग टेस्ट अप टू व्हाटएवर वी विल कवर टुमारो, वहां तक के सिलेबस का टेस्ट होगा फ्राइडे को. ठीक है,
इसमें और वेट में क्या लिखा? बिना वेट के एडजस्ट हो सकती है? हाँ कर सकते हो। अगर अर्थ के सेंटर पे जाए तो वेट जीरो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाँ, बट जरूरत नहीं है पॉइंट सारे ना। वेट और मास का रिलेशन बताया था आपको मैंने, ये तो हमने यूज भी किया था। W इज इक्वल टू mg इज द सिंबल, इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल लिखो, राइट डाउन लिखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है 60 kg। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है 60 kg। वेयर इज योर कॉपी? टेक आउट योर ऑफ कॉपी एंड नोट इट डाउन। न्यूमेरिकल कैसे ऐसे करोगे आप? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है 60 kg, फाइंड इट्स मास एंड वेट ऑन मून, फाइंड इट्स मास एंड वेट ऑन मून। मून पे कितना होगा मास और वेट? चलो पहले मास बताओ कितना होगा मून। मास तो सेम ही रहेगा, सो ऑन मून ऑल्सो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 60 kg। तो लिखिए मास मून पे भी इतने, एक आंसर आ गया। लेट अस फाइंड द वेट नाउ। हाँ जी जसलीन, पहले आप ये बताओ वेट ऑन अर्थ कितना होगा? व्हाट विल बी द वेट ऑन अर्थ? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ? ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं अर्थ के ऊपर मास कितना है 60 और जी कितनी है अर्थ पे? करो सॉल्व इसका, और आंसर किस में आएगा? न्यूटन में, बिकॉज दिस इज वेट। मल्टीप्लाई दिस, सो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज, ये पहले अर्थ पे निकाला, हाँ पहले अर्थ का देख लो, वो भी आ जाएगा ना कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज वेट ऑन अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ऑन मून जी होती है 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ, तो वेट होगा एम जी डैश 1/6 का वेट हो जाएगा। अगर जी 1/6 है तो मून पे वेट भी तो 1/6 हो जाएगा ना, वो एम जी हमने निकाल लिया अर्थ पे जो वेट है 588, उसको डिवाइड बाय 6 करना है बस आपको, हाँ 98 आई थिंक है ना न्यूटन। चलो राउंड ऑफ करके ले दो, ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 98 न्यूटन इट विल बी, इट विल बी 98 न्यूटन। पता चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑन अर्थ अगर जितना भी आया उसको डिवाइड बाय 6 कर देना है, मून पे आ जाएगा, बिकॉज जी इज 1/6 ऑन मून, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो रिड्यूस टू 1/6 ऑन मून। तो हमने देखा इस न्यूमेरिकल में वेट चेंज हो रहा है, अगर उससे करोगे ना तो आपका तभी पॉइंट्स में आ रहा है। हम पॉइंट्स में इसीलिए नहीं कर रहे, 1/6 से 60 कैंसिल हो जाएगा इजीली, 10 × 9.8 98 आ जाएगा पूरा पूरा। तो जब भी आपने फर्दर कैलकुलेशन करनी होती है तो फ्रैक्शन में सॉल्व किया करो, उससे होल नंबर आंसर आता है, क्योंकि 1.63 कंप्लीट नहीं था, उसके आगे भी थे 1.6333, तो वो आपका कंप्लीट आंसर नहीं आया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपने जी को 1.63 लिया, वो राउंड ऑफ करो ना, आप उसको 1/6 लो ना ऐसे, इसको करो पूरा 98 आएगा।
हाँ, पर मैं आपको कह रही हूं कि जब आगे और कैलकुलेशन करनी हो तो नेवर टेक द आंसर इन पॉइंट, वो आंसर जो इनकम्प्लीट था, 1.63 पूरा पूरा डिवाइड नहीं ना था हो रहा, तो इसलिए आपका आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा उससे। अगर तो जी पूछी है तो ठीक है 1.63, पर आगे सॉल्व करना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप, यस दिखाओ कॉपी, लाओ क्या किया देखें, इधर काफी देर से वो डिस्टरबेंस हो रही है। मास वेट का कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है? नहीं, आप इस फॉर्म में लिखो ना जैसे यहाँ पे लिखा है, और तीन लिखे हैं आपने, कितने लिखे हैं? देखो क्लियरली ना आ रहा कुछ, ये बनाने से अच्छा है आप ऐसे कर लो। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी, फैक्टर्स जिसके साथ स्मॉल जी वेरी करता है, चेंज होता है। बेसिकली देर आर फोर फैक्टर्स, ठीक है, बेसिकली देर आर फोर फैक्टर्स जिसके साथ स्मॉल जी चेंज होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम है, हम अगर हिल्स पे चले जाएंगे हाइट के साथ कैसे चेंज होती, लेट सी दैट। सेकेंड इज डेप्थ, अगर हम अर्थ के इंटीरियर में जाना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन व्हाट विल बी जी? नहीं, जीरो नहीं होगी, वो तो सेंटर पे जीरो होगी, वैसे कितनी होगी वो हम डिस्कस करेंगे थ्रू अ डेरिवेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग तब भी जी चेंज हो रही है, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, एंगल, जो एंगल है that changes because of rotation of earth, that we call latitude. Shape of earth, you know earth is not perfectly spherical, it is somewhat flatter at the poles. Yes Titiksha, I want to ask the Hello? definition of small g. Can please repeat the definition of small g? Titiksha, want to say something? Ma'am, yes, please tell you us. Want to ask something? Ma'am, please tell us the definition of small g. Bolo. Not audible. Not audible. Definition of small g. नहीं सुन रहा बच्चे, चलो कोई बात नहीं। So we are going to discuss variation in g with height फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं हिल्स की तरफ सपोज, तो जी कम होगा कि इंक्रीज होगा? लेट अस सी, डिक्रीज होगा, कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, देखते हैं। तो वो भी हम करेंगे ना, भी डिस्कस। चलिए फर्स्ट डेरिवेशन लिखिए क्वेश्चन फॉर्म में, हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, हाउ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी वेरी, वेरी मतलब चेंज, ठीक है, आप चेंज भी लिख सकते हो। हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी चेंज, हाँ वेरी, विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब
height is also called altitude. So we are taking earth, mass of earth is m, radius of earth is r, o is center of earth, a is a point on the surface of earth. Pehle ye bana lo. We are drawing earth, take a point on the surface, take its center, mark the radius. Anji. सीधे बैठो आप. एम इज मास ऑफ अर्थ. कैपिटल हम बिगिनिंग से हम यही सिंबल ले रहे हैं, प्लैनेट का मास. यस्टरडे या लास्ट वीक हमने जी का फॉर्मूला डेराइव किया था, जी एम बाय अर्थ स्क्वायर. तो हमने जी कहाँ कैलकुलेट की थी, अर्थ के सरफेस. चलो बाकी कल करते हैं.